धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। प्रधानमंत्री मोदी आखिर क्या हैं? क्या वो प्रधान सेवक हैं, क्या वो चौकीदार हैं, या वो फकीर हैं? ये तीनों सवाल आज क्यों खड़े हुए हैं? क्योंकि न्यूज 18 ने एक प्रोग्राम किया है चौपाल, उसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बल्कि सबसे धुरंधर धुआंधार प्रवक्ता माने जाने वाले डॉक्टर संबित पात्रा मौजूद थे और JNU स्टूडेंट के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार, जिन पर राष्ट्रद्रोह के मुकदमे भी लगे हैं। हालांकि 18 महीने हो गए, उस मामले में आज तक चार्जशीट नहीं कर पाई है। कोर्ट बार बार कह रहा है कि चार्जशीट कीजिए। उस चौपाल के दौरान दोनों के बीच बहस इतनी गर्मा गर्मी हो गई कि संबित पात्रा ने कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बाप हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के बाप हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद को कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूं, खुद को कह रहे हैं मैं जो है फकीर हूं, खुद को कह रहे हैं कि मैं प्रधान सेवक हूं, तो ये सब क्या हुआ कि एकदम संबित पात्रा ने कह दिया कि वो देश के बाप हैं? तो आप बारी बारी से सारी बातों को सुनिए और आप खुद डिसाइड कीजिए। हम नहीं कुछ कहना चाहते हैं, हम प्रधानमंत्री के वो तमाम बयान आपको सुनाएंगे जहां प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं सेवक हूं, लाल किले की प्राचीर से कहा प्रधान सेवक हूं, फौजियों के बीच में, रिटायर्ड फौजियों के बीच में पहुंचकर कहा कि मैं चौकीदार हूं, और फिर उसके बाद नोटबंदी के दौरान कहा मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के लेके चल दूंगा। अब वो क्या हैं वो खुद डिसाइड करें, या उनके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा जो कह रहे हैं कि वो देश के बाप हैं, तो क्या वो देश के बाप हैं? ये सब हम आप पे छोड़ते हैं। आप एक एक कर वो सारे बयान देखिए और संबित पात्रा और कन्हैया कुमार की जो नोकझोंक हुई है वो पूरी की पूरी देखिए क्या है पूरा मामला, और आप लोग खुद जज कीजिए। हम सब आप पर छोड़ देते हैं। आपके बीच प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, प्रधान सेवक के रूप में उपस्थित हूं। देश के बाप है। आपने मुझे काम दिया है चौकीदार। चौकीदार का काम दिया है, अब मैं चौकीदारी कर रहा हूं। देश के बाप है। मैं सिर्फ सेवक हूं, पहले भी सेवक था, आज भी सेवक हूं। देश के बाप है। अरे हम तो फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। देश के बाप है। मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं। तो कौन है? इस देश के बाप है। कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे इस देश के, बाप नहीं है। बिल्कुल आपके बाप है। होंगे हमारे बाप नहीं है, आप देश के बाप नहीं है। आपके बाप होंगे, आपको ONGC का डायरेक्टर बना दिया।